आपका पहला क्वेश्चन है, सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। आपका सही जवाब होगा डी 12। आपका अगला क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र सबसे ज्यादा किसके ऊपर बन रहा है? आपका ऑप्शन है ए अफ्रीका, बी यूरोप, सी अंटार्कटिका, डी भारत। आपका सही जवाब होगा सी अंटार्कटिका। आपका अगला क्वेश्चन है, पिछले दिनों भारतीय महिला हॉकी टीम में विश्व लीग खिताब जीता, इस टीम की कप्तान थी? आपका ऑप्शन है ए रानी रामपाल, बी सविता, सी नवदीप कौर, डी ज्योति गुप्ता। आपका सही जवाब होगा ए रानी रामपाल। आपका अगला क्वेश्चन है, 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो हाल ही वितरित हुए, उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे? आपका ऑप्शन है ए अक्षय खन्ना, बी अक्षय कुमार, सी आमिर खान, डी सलमान खान। आपका सही जवाब होगा बी अक्षय कुमार। आपका अगला क्वेश्चन है, संसार में सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, बी दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग, सी हिंद महासागर मार्ग, डी उत्तर प्रशांत समुद्र मार्ग। आपका सही जवाब होगा ए उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। आपका अगला क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है ए एपीजे अब्दुल कलाम, बी अभिनव बिंद्रा, सी युवराज सिंह, डी खुशवंत सिंह। आपका सही जवाब होगा ए एपीजे अब्दुल कलाम। आपका अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए मुंबई, बी चेन्नई, सी दिल्ली, डी आगरा। आपका सही जवाब होगा ए मुंबई। आपका अगला क्वेश्चन है, फिल्म इंडस्ट्री से राज्यसभा में पहली महिला सदस्य रही है? आपका ऑप्शन है ए रेखा, बी हेमा मालिनी, सी जया भादुरी, डी नरगिस। आपका सही जवाब होगा डी नरगिस। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर धातु कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए सोना, बी चांदी, सी प्लेटिनम, डी तांबा। आपका सही जवाब होगा सी प्लेटिनम। आपका अगला क्वेश्चन है, टेस्ला यूनिट
किस क्षेत्र से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए चुंबकीय क्षेत्र से, बी द्रव्यमान से, सी गति से, डी उष्मा से। आपका सही जवाब होगा ए चुंबकीय क्षेत्र से।